शिक्षा में ई लर्निंग एजुकेशन को लेकर प्रदेश की प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक सत्यम मंडल के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने शिक्षा में ई लर्निंग पर चर्चा की। प्रमुख सचिव ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि अथवा विद्यालय खुलने की अवधि तक ऑनलाइन ई लर्निंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ किया जाए। इस कार्यों के लिए सभी प्रधानाचार्य अपने अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों तथा कर्मचारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 15 से 20 मिनट का अंतराल रखते हुए डेढ़ से दो घंटे के 3 पीरियड निर्धारित कर शिक्षक विषयवार टाइम टेबल तैयार करवा ले, जिससे छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराया जा सके। इसके अलावा प्रमुख सचिव ने 2-2 घंटे का 4 सेशन तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे दूरदर्शन पर इसका प्रसारण सुनिश्चित कराया जा सके। सर जी गोरखपुर मस्जिद हो गया। सर नमस्कार सर। अच्छा आपके समस्त डियर्स हैं कि नहीं? कोई उत्तर आया नहीं था महाराजगंज का, कुशीनगर का, कुशीनगर का आ गया था महाराजगंज राम सर देवरिया उपस्थित हुए। राम सर सभी डियर्स हैं सर महाराजगंज देवरिया डियर्स कौशाम्बी डियर्स बहराइच अधिग्रहण होकर प्रस्ताव शासन को भेजना सर। अभी वो लंबी है सर, 2 दिन में करा दूंगा सर मैं सर। ओके सर हमीरपुर करीब 1 हफ्ता पहले तो पब्लिशर्स यही कह रहे थे। जेडी यात्रा आप कुछ बता रहे थे सर? मैं यही बताना चाह रहा था। मैडम नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। कि दूरदर्शन के स्वयं प्रवाह चैनल एक प्रतिक्रिया दे रही हूँ मुकेश को कि मुकेश मैं यहाँ पे सचिवालय में और डायरेक्टर साहब से यही कई बार हास्य में ये कहती हूँ कि अगर बहुत समय अगर हम लोग लगाएंगे तो ये लॉकडाउन और कोविड का समय खत्म हो जाएगा और कंटेंट हमारा नहीं तैयार होगा। तो समय ही बस हम लोग के पास नहीं है और इसलिए हम लोग ने सबसे ये अनुरोध किया था कि जो आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो वो आप हमको भेज दें, हम लोग देख लेंगे जो यूज कर सकते हैं करेंगे। इन द मीन टाइम आप लोग अच्छा कंटेंट बनाना शुरू करिए क्योंकि हम लोग को प्रारंभ करना बहुत जरूरी है और प्रारंभ करने के लिए हमको 1 सप्ताह का कंटेंट दूरदर्शन को देना है, उनको ये उपलब्ध करा देंगे हम 1 सप्ताह का, तो उनको 1 सप्ताह और मिल जाएगा अगले सप्ताह का बनाने के लिए। तो इस प्रकार का कोई रोलिंग प्लान सा हम लोग बनाए हुए हैं जिससे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग ने बहुत परिश्रम करा है और दोनों सैटरडे संडे दोनों छुट्टियों में पूरे दिन काम करके वीडियोस बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है और 1 सेशन का हमको केवल आधा घंटे का वीडियो बनाना है और 1 दिन में 4 सेशन दिखाने हैं 2 घंटे के। तो 4 सेशन के वीडियो अगर 75 जिले मिलकर के नहीं बना पाते हैं तो फिर तो हम लोग को सीरियसली विचार करना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत हमारे पास टैलेंट है, बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं, सब लोग प्रयास करेंगे तो बन जाएगा। अब राजेश अगर बता दें क्या क्या बात करूँ सर। पूरे 11 जगह कितने दिन से ये लंबित है? सीतापुर जरा बताएंगे ये केंद्रीय विद्यालय का प्रकरण आपके यहाँ कितने दिन से लंबित है? नमस्कार मैम, फरुखाबाद बोल रहा हूँ। जो जिस गांव में चिन्हित करने के निर्देश आते भी हैं दूसरे केंद्रीय विद्यालय के लिए आप जमीन चिन्हित कर रहे हैं? जी मैम। और ये आपका कहीं सैंक्शन हुआ है केंद्रीय विद्यालय की आप क्यों चिन्हित कर रहे हैं? कोई सैंक्शन लेटर है आपके पास? नहीं, यही भूमि चिन्हित करने के लिए पत्र आया हुआ है।